दोस्तों, क्या जो आपको मार्केट में गिलोय का जूस मिलता है, गिलोय की घनवटी टेबलेट्स मिलती है, आपने सुना होगा गिलोय घनवटी, गिलोय का जूस, उसका सेवन करना चाहिए? क्या उसके बीच में केमिकल्स मिला जाते हैं, वो फायदा करता है या फिर उल्टा नुकसान करता है आपके शरीर के अंदर? या फिर आज से हजारों साल पहले जो हमारी आयुर्वेद की किताब लिखी गई थी अष्टांग हृदयम, उसके अनुसार जो कि वाग्भट ऋषि ने लिखी थी, उसके अनुसार आयुर्वेद के नियम के अनुसार आपको घर पे उसका पौधा लगा के, गिलोय का पौधा लगा के, आयुर्वेद की विधि के अनुसार उसका काढ़ा बना के आपको सेवन करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको सब बातें बताने वाला हूँ, काफी छोटी सी वीडियो रहने वाली है, चार से पांच फायदे बताऊंगा, चौथा और पांचवा फायदा आजकल के नौजवान युवा अवश्य देखें, यंगस्टर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन फायदे मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, मैं कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद दोस्तों आपको ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि रोजाना डेली बेसिस पे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल में मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं किसी भी बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपको पता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाती हैं, जो कि लोहे की होती हैं, 1000 लीटर बनाएंगे एक दिन में गिलोय का जूस, या फिर 10-10 हज़ार लीटर की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है वो इंस्टॉल करती हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में स्पष्ट लिखा गया है, जो पत्थर की खरड़ होती है, यानी कि जो स्टोन की लंगरी होती है, हवाम दस्ता होता है, जिसके घर में हमारी माताएं बहनें या फिर हमारी नानी दादी मसाले पीसती थी या पीसती हैं, उसके बीच में अगर गिलोय का शुद्धिकरण नहीं किया जाता, उसकी जो स्टेम होती है, उसकी जो डंडी होती है दोस्तों, उसका काढ़ा बनाया जाता है, उसके बीच में अगर उसको कूट के आप उसका शुद्धिकरण नहीं करेंगे, उसके बाद में उसका काढ़ा नहीं बनाएंगे, बाजार से खरीद के, जिसके बीच में साथ में केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं और प्रिजर्वेटिव भी मिलाए जाते हैं दोस्तों, आपको पता है वो ऐसे बच ही नहीं सकता दोस्तों एक एक साल तक गिलोय का जूस, तो दोस्तों वो उल्टा आपको हानिकारक होता है आपके शरीर के लिए। आप गिलोय का जूस लेके आते हैं, एलोवेरा का जूस लेके आते हैं, आंवले का जूस लेके आते हैं मार्केट से, लेकिन दोस्तों आपको फायदे के बजाय नुकसान करेगा अगर आप लॉन्ग टर्म में बाजार के चीजों का इस्तेमाल करेंगे, खासकर आयुर्वेदिक ऐसी चीजें जो लोहे की मशीनों के बीच में प्रोसेस की हों। तो आपको सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है, छोटा सा घर में गमला लगा लीजिए, एक पॉट लगा लीजिए, चाहे फिर आप फ्लैट में रहते हैं या फिर घर पे, अपने घर पे रहते हैं, आपका गार्डन है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप काफी आसानी से एक छोटा सा पॉट लगा सकते हैं। इवन गिलोय को उगाने के लिए ज्यादा सूरज की रोशनी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों, जरूरत नहीं पड़ती है, बिना सूरज की रोशनी के, सनलाइट के भी ये उग जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गिलोय का पौधा प्लांट नर्सरी से लेके आना है, 10-20 रुपए का आपको मिल जाएगा, जरूर लेके आए, सभी की सिटी में नर्सरी होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपको गिलोय का काढ़ा किस तरह से बनाना है, उसके बाद में आपको फायदे बताता हूँ जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो गिलोय की स्टेम होती है आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, जो मैं आपको जड़ दिखा रहा हूँ गिलोय की, एक तो पत्तियां होती हैं, आपको लीफ का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, गिलोय की लीफ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदेमंद उसकी पत्तियों का जूस होता है, उसका काढ़ा होता है। तो आपको उसकी स्टेम ले लेनी है, उसकी डंडी ले लेनी है, उसको क्या करना है दोस्तों, आपको हवाम दस्ते में, खरड़ में, यानी कि जो लंगरी होती है जिसके बीच में मसाले पीसते हैं हमारे घर में, उसमें अच्छे से कूट लेना है, इतना कूटने की एकदम बारीक पतला पतला हो जाए, फिर एक गिलास पानी के बीच में आपको लगभग 20 से 30 ग्राम जो आपने ये बारीक पेस्ट बनाया वो आपको एक गिलास पानी के बीच में मिला लेना है दोस्तों। दोस्तों, उसके बाद किसी भी कंटेनर में ये आपको डाल लेना है और गैस ऑन कर देना है नीचे से दोस्तों, उसको उतना उबालना है कि वो जो एक गिलास पानी था वो आधा गिलास बचे दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा इसको उबालना है काफी देर तक, ताकि आधा हो जाए और गाढ़ा हो जाए। इसके बाद छानने के बाद आपको निकाल लेना है ठंडा करके किसी भी कंटेनर में, सुबह उठ के दोस्तों आपको बिना कुछ खाए, यानी कि खाली पेट हल्का गुनगुना पानी पीने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, इस काढ़े का सेवन करना है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप स्वस्थ हैं या फिर अगर आप रोगी हैं, यानी कि अगर आपको कोई भी डिजीज हो चुकी है, डॉक्टर ने कुछ भी परहेज करने से मना किया, दोस्तों गिलोय एक ऐसी औषधि है जिसकी किसी भी चीज में परहेज नहीं होती है, सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वस्थ भी और जिनको रोग हो चुका है वो भी। चलिए बात करते हैं कितनी मात्रा में सेवन करना है प्लस क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, मात्रा आधे गिलास के आसपास जो आपने काढ़ा बनाया था उतनी होनी चाहिए, सभी को उतनी मात्रा में सेवन करना है, बच्चे बूढ़े जवान सभी को। फायदों के बारे में बात करें, सर्दी खांसी जुकाम बुखार दोस्तों इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर देता है कि मौसम चेंज होने की वजह से
जिंदगी में आपको कभी नहीं हो गया। अगर हो भी चुका है तो 10 से 15 मिनट के अंदर दोस्तों ये ठीक कर देता है। इसके अलावा अगर आपको दांतों में दर्द होता है, खून की कमी रहती है, प्लेटलेट्स की कमी रहती है, जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, शारीरिक किसी भी प्रकार का हाथों में पैरों में पिंडलियों में दर्द होता है, उसको भी जड़ से खत्म करने में काफी ज्यादा मदद करता है। दोस्तों अगर हम अगले सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बेनिफिट के बारे में गिलोय की बात करें तो आजकल जो महामारी बहुत ही ज़्यादा फैल रही है कोरोना वायरस दोस्तों, जो कि चाइना से पूरे विश्व में फैल रही है, और आपको पता है कि इतनी तेज़ी से फैल रही है, इसको रोकना भी बड़ा ज़्यादा मुश्किल है। एलोपैथी में इसकी आज तक कोई भी सफल वैक्सीन नहीं बनी है, मेडिसिन नहीं बनी है, लेकिन आयुर्वेद में दोस्तों इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग करने के लिए, वायरल अटैक से बचने के लिए कुछ प्रयोग बताए गए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए प्रिकॉशंस तो आपको लेने पड़ेंगे, जैसे कि अपने मुंह में मास्क लगाना, कोई छींक रहा है उसके वाटर ड्रॉपलेट्स आपके नाक के अंदर आपके ऊपर नहीं पड़ने चाहिए, ये तो आपको प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहें, लेकिन आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही बेहतरीन मैं आपको गिलोय के 5 प्रयोग बताने वाला हूँ। उनमें से आप कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने के लिए। आपको क्या करना है दोस्तों, जो माताएं बहनें घर पे खरड़ इस्तेमाल करती हैं, पत्थर की लंगरी इस्तेमाल करती हैं मिर्च मसाले पीसने के लिए, चटनी पीसने के लिए, उसके बीच में दोस्तों 5 ग्राम की मात्रा में गिलोय की सूखी डंडी यानी कि गिलोय की स्टेम, जो कि आपको काफ़ी आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक पंसारी की दुकान पर मिल जाती है, नहीं तो पतंजलि की दुकान पर मिल जाती है, कहीं से भी आप इसको घर पर भी लगा सकते हैं। आपको वो 5 ग्राम की मात्रा में गिलोय की डंडी गिलोय की स्टेम ले लेनी है, खरड़ के बीच में आपको डाल करके पीस लेनी है। उसके बीच में दोस्तों आपको 5 हरे वाले ताज़े तुलसी के पत्ते डाल के अच्छे से पीस लेना है। साथ में दोस्तों आपको 1/2 इंच की मात्रा में छोटा सा अदरक का टुकड़ा उसके बीच में डालना है, और साथ में बराबर मात्रा में यानी कि 1/2 इंच की मात्रा में छोटा सा जो हल्दी का ताज़ी हल्दी का टुकड़ा होता है जो कि ज़मीन के अंदर से निकलती है, जो कि काफ़ी आसानी से आपको पंसारी की दुकान पर या फिर किसी भी किराने के स्टोर में मिल जाती है, वो भी दोस्तों उस खरड़ के बीच में आपको डाल करके अच्छे से कूट लेना है। साथ में 1/2 चुटकी आपको उसके बीच में काली मिर्च डालनी है, सबको जैसे आप अच्छे से पीस करके चटनी बना लेते हैं। साथ में दोस्तों 1 चम्मच शहद उसके बीच में मिला करके सुबह दिन और शाम को खाना खाने से पहले आपको ये 3 टाइम चाटना है। दोस्तों ये आपकी इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा मजबूत इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना देगा कि कोई भी वायरल अटैक कोई भी बैक्टीरियल अटैक जैसे कि खासकर वायरल अटैक में कोरोना आपके अंदर इन्वेड ही नहीं कर पाएगा, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि उसको वहीं पे ये रिजेक्ट कर देगी, किल कर देगी, मार देगी वायरस को। तो दोस्तों ये प्रयोग अवश्य करें, जो लोग ये प्रयोग नहीं कर सकते वो गिलोय की डंडी लेकर के आएँ यानी कि गिलोय की स्टेम लेकर के आएँ दोस्तों, उसको आपको 1 गिलास पानी के बीच में 10 ग्राम की मात्रा में गिलोय की डंडी यानी कि गिलोय के स्टेम को उबाल लेना, जब वो 1/2 गिलास पानी बचे, देखिए पहले आपने 1 गिलास पानी लिया था, जब वो पानी 1/2 गिलास बचे दोस्तों आपको उसको छान करके धीरे धीरे करके सीप सीप करके सुबह खाली पेट पीना, ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है किसी भी प्रकार के भयंकर से भयंकर वायरस से लड़ने के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक और मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, सुबह उठते साथ ही आपको 1 गिलास पानी के बीच में 5 तुलसी के पत्ते, 2 नीम के पत्ते और साथ में दोस्तों 10 ग्राम की मात्रा में गिलोय का जो ये मैंने आपको डंडी बताई स्टेम बताई वो डाल करके अच्छे से पहले आपको कूटना है गिलोय की डंडी को, फिर आपको पानी के बीच में डाल करके इसको बॉयल करना है। जैसे पानी 1/2 गिलास बचता है, इसको भी अगर आप छान करके ऊपर से दोस्तों 1/2 चुटकी की मात्रा में हल्दी डालते हैं और थोड़ा सा अदरक का रस भी अगर आप डाल लेते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, वायरल अटैक से आपको बचाता है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार नहीं होने देता, दमा भी आपको यानी कि सांस फूलने की समस्या भी आपको नहीं होने देता, जो कि आप जानते हैं कोरोना वायरस के लक्षण होते हैं। इसके अलावा दोस्तों वायरस से बचने के लिए और वायरस अटैक होने के कारण जो शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा थकान दुर्बलता आ जाती है, उससे दोस्तों जल्दी रिकवर होने के लिए आपको 5 से 10 ग्राम की मात्रा में गिलोय की डंडी को गिलोय के स्टेम को कूट लेना है खरड़ के बीच में, हवाम दस्ते के बीच में। ख्याल रखें कि हवाम दस्ता पत्थर का होना चाहिए, किसी भी स्टील का नहीं होना चाहिए, मेटल का नहीं होना चाहिए, उसके बीच में आपको गिलोय को कूट लेना है। साथ में दोस्तों 1 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण,
एक ग्राम की मात्रा में सफ़ेद मूसली चूर्ण भी उसके बीच में मिला करके शहद के साथ में अगर आप मरीज को चटवाते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है ताकत को बढ़ाने में, चुस्ती फुर्ती को बढ़ाने में, स्फूर्ति को बढ़ाने में और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही ज़्यादा ड्रेस्टिकली ये बढ़ा देता है, काफ़ी भयंकर तेज़ कर देता है। दोस्तों इससे क्या होता है कि आप बीमार पड़ ही नहीं सकते, भयंकर से भयंकर अगर आपको वायरस अटैक करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।